हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू ब्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और भैया, आज हो रहा है बाहर मौसम का हाल बुरा, तो आप लोगों को मौसम का हाल दिखाते हैं एकदम से। तो और गर्मी ने कर रखा भयंकर वाला परेशान। बारिश हो जाए तो अच्छी बात है जी, काफी नुकसान हो रहा है हमारे किसानों को। तो चलिए जी, आप लोगों को दिखाते हैं हमारे मौसम का हाल। ये देखो जी, ये देखो जी, कितने घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है जी। रोज बस सुबह शाम बादल होते हैं, छाए रहते हैं और तेज हवाएं चलती हैं, और दोपहर में एकदम से धूप निकल जाती है जी। और फसल को काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि फसल अच्छे से पक्के तैयार नहीं हुई है। एक बारिश और हो जाती ना तो फसल अच्छे से पक जाती जी, लेकिन कहते हैं ना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जी। तो व्लॉग अंत तक देखना। मैं आप लोगों को आज वो कहते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सच साबित करके दिखाऊंगी। तो व्लॉग अंत तक देखना भाई, उसके बाद में कमेंट्स करके बताना आप लोग कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सच साबित हुई है, और कैसी लगी हमारी जो कहावत है उसकी पूरी देखना, उसके बाद में ही पता लगेगा। तो इधर थोड़ा सा मौसम सुहाना हो रहा है, तो चाय पी लेते हैं जी। तो इधर देखो, ये हमारी चाय उबल के हो रही है रेडी, क्योंकि सुबह सुबह यानी कि साफ सफाई और नहाने धोने के बाद में चाय पी लेते हैं, जो थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है जी, एनर्जी आ जाती है। और इधर हम जो दूध लेके आते हैं जी, वो दूध खा लेते हैं, उसका दही भी खा लेते हैं, और लस्सी पीने के बाद में जो मलाई होती है ना, वो हम दही के ऊपर से उतार लेते हैं, तो उससे घी बनाएंगे जी। तो ये मिक्सी का जार ले लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है, और ये डाल लिया जी हमारी मलाई जो हमने दही के ऊपर से उतारी थी, ये देखो। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी के जार में बना लेंगे जी घी, ये देखो। बस यानी कि 2 चम्मच डाले थे, और ये देखो कितना घी आया, और थोड़ा सा पानी भी ठंडा ही डाला था क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए। और ये देखो भाई, मैंने ऐसे ही डाल के मिक्सी के जार में और सारे मलाई का बना लिया है जी माखन। एकदम से कच्चा घी निकल गया, इसको हम स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लस्सी चली जाती है ना, तो ये कच्चा घी होता है थोड़ा सा माखन अपना, तो इसमें स्मेल आने लगती है। तो इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, अच्छे से उबाल लेंगे, ताकि हमारी जो लस्सी वो अलग हो जाए जी। तो ये देखो, मैंने एकदम से यानी कि लो गैस करके इसको अच्छे से, नहीं तो क्या है कि गैस को फुल रखेंगे तो हमारी जो लस्सी हो चली जाती है ना, वो फट जाती है जी। तो एकदम से गैस को लो ही रखना, आप भी घी बनाओ तो ऐसे ही। और देखो ये सारी हमारा घी है वो गर्म अच्छे से यानी पंघल चुका है, तो इसको हम छलनी से छान लेते हैं, ताकि ये हमारा अच्छे से साफ भी हो जाएगा। ये देखो जी, इसमें मैंने अपने टोपिए के अंदर यानी कि अपने पतीले के अंदर इसको मैंने छलनी से छान लिया है, ये देखो। तो लस्सी थी वो नीचे चली गई है सारी एकदम से, और जो थोड़ा सा ऊपर अपने जिसको हम फेदड़ बोलते हैं भाई, वो थी वो अपनी छलनी में रह गई है जी। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था जी फ्रिज में, तो जो लस्सी थी वो नीचे जम गई है। अब हमारा घी एकदम से अच्छे से तैयार होने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं ना, तो लस्सी चली जाती है तो इसमें स्मेल आने लगती है जी, ख़राब जल्दी हो जाता है। तो ये देखो पूरी लस्सी है वो नीचे जम चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं ये लो जी। और उसके बाद में हम फिर इसको गर्म करके किसी भी अपने डिब्बे में डाल करके रख देंगे, तो लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जी। तो आज थोड़ा वीडियो फास्ट करके दिखाया है, क्योंकि फटाफट से मैंने ये अपना घी है वो तैयार कर लिया। बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा कि लाइट का कुछ हत्ता पत्ता नहीं है, कब चली जाए जी, तो इसलिए फटाफट से ही कर लिया है जी फ़ायदा। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना जी। और ये देखो भाई, कम से कम आधी केजी घी है, और ये थी मलाई थी अपनी 4-5 दिन की मलाई थी, ज़्यादा दिन की भी नहीं थी, और बिल्कुल थोड़ी सी ये लस्सी निकाल दी है, और इसको डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इधर हमने बना ली है जी आलू और अपने देसी टमाटर की सब्जी यानी कि काचरे की मिक्स। तो इसकी पूरी रेसिपी देखनी हो तो कमेंट्स करना भाई, काफ़ी बार दिखा भी चुकी हूँ, मौसम बहुत हो रहा ख़राब। और इधर मैंने रोटियाँ भी बना ली है, तो आप लोग भी आ जाइए जी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए जी। ये लो जी, खाना पीना हो गया, जल्दी बना लिया था क्योंकि
मौसम ऐसा रहता है तो लाइट का कुछ अता पता नहीं रहता है जी। और कल कपड़े धोए थे उनका दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना ढेर लगा हुआ ये देखो भाई, एकदम से उधर भी कपड़े बिखरे हुए, थोड़े से गिल्ले थे तो उनको मैंने बारिश के मौसम की वजह से लाके मैंने सोचा कि फैन चल रहा है तो क्या पता थोड़े से सूख जाएंगे जी। और ये इस पे चेयर पे रख दिए थे, ये देखो पूरी चेयर दिखी नहीं रही है भाई, सारे मेरे ही कपड़े हैं, ये लगभग सारे मेरे ही कपड़े हैं, थोड़ी सी चादर वद्दर थी, मैंने सोचा मौसम का कोई पता नहीं, अब हो जाएगा तो 8-10 दिन रहेगा तो आने वाली है रक्षाबंधन, तो मैंने आज थोड़ी सी हमारी चादर वद्दर थी, थोड़े से कवर थे, कोई सोफा के कवर थे, कोई डाइनिंग टेबल है कोई ऐसे, तो वो सारे टॉवल वगैरह सबको कर दिए थे, वो सबको धो दिए थे भाई। बेटा जी बोलते थे मम्मी वॉश बोला करो, ऐसे मत बोला करो, सब्जी धो दी, कपड़े धो दिए लेकिन क्या करे जी, हमारी भाषा वो तो आएगी जी, हमारी भाषा है और हम जी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसका नॉलेज होना और उसको साथ लेके चलना भी जरूरी है जी। इसलिए भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी जरूरी है, तो वो भी बनाए रखना जी। कहते हैं ना अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और मेरे YouTube फैमिली वालों आप लोगों ने काफी सपोर्ट दिया है, और हमारे 4K हो गए हैं जी कंप्लीट, तो बहुत ही खुशी की बात है जी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये सब कुछ हुआ है आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हुआ। कहते हैं ना अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जी, तो ये सब कुछ आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हुआ जी। 4K हो गए हैं कंप्लीट, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जी, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से थोड़ी सी हिम्मत आती है और आगे भी और कुछ करने की अंदर से हिम्मत आ जाती है, सोचते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा करें और अच्छा करें, तो इसलिए भाई थोड़े से हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना जी, ताकि अगले व्लॉग में सुधार कर लेंगे जी। और ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए क्योंकि मौसम की वजह से, कल गई थी सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे लाइट आई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी गर्मी में, इसलिए थोड़ा सा पूरी रेसिपी वगैरह नहीं दिखा पाए जी, क्योंकि पूरी रेसिपी वगैरह दिखाते हैं तो काफी टाइम लग जाता, तो मैंने सोचा क्या पता लाइट फिर से चली जाएगी, तो गर्मी में हालत हो जाती है जी बुरी, और साथ साथ में दोनों काम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, साफ सी बात है जी, इसलिए थोड़ा सा बनाकर ही दिखा दिया आप लोगों को, तो भाई थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखना जी। मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में जी, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी।